शर्मनाक हार के बाद कोहली ने इस दिग्गज को ठहराया हार का जिम्मेदार, अब भी होंगे हैरान। नमस्कार, भारतीय टीम का आईसीसी विश्व कप 19 के फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। भारतीय टीम बुधवार को मैनचेस्टर की ओल्ड ट्रैफोर्ड मैदान में न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल हारकर बाहर हो गई। मंगलवार को बारिश के कारण पूरा न हो सका ये मैच बुधवार को पूरा हुआ। टीम ने भारत के सामने 240 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे भारतीय टीम संघर्ष के बाद ही हासिल नहीं कर पाई और 49.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 221 रन ही बना सकी। टीम इंडिया मौजूदा विश्व कप में पहले पावर प्ले में सबसे कम रन बनाने वाली टीम बन गई है। भारत ने 10 ओवर में 4 विकेट खोकर 24 रन बनाए, जो मौजूदा विश्व कप के पहले पावर प्ले में सबसे कम स्कोर है। भारत ने इस मामले में न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ा, जिसमें इसी मैच में पावर प्ले में 10 ओवर में 1 विकेट खोकर 27 रन बनाए थे। इसके पहले न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 8 विकेट खोकर 239 रन बनाए। बुधवार को न्यूजीलैंड ने अपने कल के स्कोर में 40.1 ओवर में 221 और 5 से आगे खेलना शुरू किया। इन 30 गेंदों भारतीय भुवी और बुमराह ने अपनी जबरदस्त खेल दोहराते हुए सिर्फ 28 रन खर्च करते हुए कीवी बल्लेबाज को वेले ने भी लौटाया। इस शर्मनाक हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि हमने उम्मीद से विपरीत बल्लेबाज की, जिसके वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि विलियमसन ने शानदार कप्तानी की और बल्लेबाज में भी जबरदस्त खेल दिखाया। उन्होंने कहा कि विलियमसन ने जिस तरह से अपने गेंदबाजों को संतुलन बनाए रखने की सीख दी थी, काबिले तारीफ था और इसी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।